अपने मम्मी पापा का ध्यान दे, मेरे जैसा बेटा ना बने जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। मेरी मम्मी खुद से नहीं मरी है, मेरी मम्मी को मारने के पीछे श्री साई हॉस्पिटल और PMCH का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके ऊपर से मेरी मम्मी को मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों को यही विश्वास था कि उन्होंने लगा दिया होगा, उन्होंने नहीं लगाया था। वो मास्क मेरी मम्मी के बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। हम बचा नहीं पाए अपनी मम्मी को। मेरा नाम अमित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मेरी मम्मी का नाम श्रीकला है। मेरी मम्मी संजय सर साई स्कूल पटना कंकड़बाग की एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी है। मेरी मम्मी को 2 हफ्ते पहले राजेश्वर हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवाया। 2 हफ्ते पहले कोरोना उसको पॉजिटिव निकला था। कुछ दिन रुकने के बाद हमने उसको राजेश्वर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, 14 या 13 तारीख को। 13 तारीख को वहाँ पे 2 दिन रहने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो हमारे पास जितना हम लोगों से हो सका, पैसा पैरवी जो भी, हम लोगों ने बहुत विश्वास करके डॉक्टर अखिलेश, उनके यूनिट का एक हॉस्पिटल है श्री साई, उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट करके श्री साई में हमने उसको भर्ती करवाया 16 तारीख के सुबह में। और मेरी मम्मी 16 तारीख के सुबह में 65% ऑक्सीजन पे थी। उसका ऑक्सीजन 65% था। 16 तारीख के रात तक मुझे हॉस्पिटल से ये खबर आती है कि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन 92-95 टच कर रहा है। हम लोग इससे निकल गए कि मेरी मम्मी अब बच जाएगी। मेरी मम्मी बहुत फाइट की। मेरी मम्मी रात तक मेरी मम्मी का 95% था। उसके बाद 17 तारीख के सुबह में 6:30 बजे साई हॉस्पिटल को मैंने फोन किया। उसने बोला कि मेरी मम्मी 1 घंटा सोई भी है रात में, जो 10 दिन से नहीं सो पाई थी। मुझे लगा मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो फिर 11 बजे फिर उसने मैंने उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि मम्मी आपकी ठीक है, 95-98% पे आ रहा है। हम लोग खाना खा रहे थे उसके बाद। फिर मेरी मम्मी 2:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल से फोन आता है, श्री साई हॉस्पिटल से जो कंकड़बाग में है, कि आप अपनी माता को यहाँ से ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने बोला बेटा ले जाने के लिए, जो कि काफी दूर है, और मेरी मम्मी सेमी वेंटिलेटर जो बाईपैप मशीन होता है उस पे थी। अगर मम्मी को बेटा ले जाते तो मेरी मम्मी बीच में ही मर जाती। तो जो मेरी नानी है डायरेक्टर संजो सर हाई स्कूल की, उन्होंने बहुत पैरवी लगा के PMCH में एक बेड दिलवाया। तो जैसे तैसे करके हम अपनी मम्मी को PMCH ले गए कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, मेरी मम्मी बच जाएगी, क्योंकि 65% से मेरी मम्मी 95% तक आ गई थी। तो सिर्फ उसको ऑक्सीजन चाहिए था। PMCH के पास अपना खुद का प्लांट है, तो मुझे लगा कि वो लोग बचा लेंगे। PMCH में मैंने 5:30 बजे भर्ती करवाया 17 तारीख को। भर्ती करवाने के बाद मेरी बहन मेडिकल लाइन में है, उन्होंने हॉस्पिटल को बहुत विनती किया कि मेरी मम्मी को NIV मास्क लगा दो। उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। तो हमने जाके NIV मास्क खरीद के उनको दिया कि आप मेरी मम्मी को ये NIV मास्क लगा दीजिए। उन्होंने बोला वो आधे घंटे में लगा देंगे। हम लोगों को यही विश्वास था कि उन्होंने लगा दिया होगा, उन्होंने नहीं लगाया था। वो मास्क मेरी मम्मी के बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी ऐसे ही तड़प तड़प के मर गई। हम बचा नहीं पाए अपनी मम्मी को। मेरी यही विनती है आपसे,
कि आप लोग अपने मम्मी पापा का ध्यान दें, मेरे जैसा बेटा ना बने जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और मेरी मम्मी खुद से नहीं मरी है, मेरी मम्मी को मारने के पीछे श्री साई हॉस्पिटल और TMCH का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके ऊपर से मेरी मम्मी को मारने में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मम्मी बहुत नोबल काम करती थी, कितना बच्चा का एडमिशन, कितने लोगों का जॉब, जिंदगी में उसका हम 1% भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग प्लीज दो मास्क लगाए, एक N95, और ऊपर से हो सके तो एक कपड़ा बांध लें, बाहर निकल, प्लीज बाहर नहीं निकलिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या बोलूं, बस यही बोलना चाहते हैं कि बच के रहिए, और कोई नहीं बचाएगा आपको। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो के साथ, मैं बहुत ही दर्दनाक फोटो अटैच करूंगा, उसमें मेरी मम्मी का लास्ट फोटो है जो कि एक PMCH का स्वीपर खींच के लाया था, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी मम्मी कैसे मरी है। भगवान ना करे कभी किसी के दुश्मन को भी इस तरीके का मौत मिले। मेरी मम्मी बहुत तड़प तड़प के मरी है। आप लोग अपने परिजन का, अपने परिवार का ध्यान दें। हम तो अनाथ हो गए, लेकिन आप लोग ध्यान दें प्लीज। बिहार सरकार, यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ का हॉस्पिटल, कोई काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। मार दिया मेरी मम्मी को ये लोग। मेरी एक छोटी बहन है, वो रो नहीं रही है, बहुत ज्यादा शौक में है। जो जो मेरी मेरे को जानते हैं और मेरी मम्मी को जानते हैं, मेरी मम्मी के आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिएगा।